नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ऋषभ पंत की कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। हाल ही में जहां श्रीलंका के खिलाफ नए साल में होने वाली T20 और ODI सीरीज में जगह नहीं मिली है, ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जाते समय उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते ऋषभ पंत को काफ़ी गंभीर चोट सामने आई है और वह अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 5:15 पर दिल्ली से लौट रहे ऋषभ पंत की कार BMW का रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के समीप मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, ऋषभ पंत को पहले रुड़की से सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अब उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोस्तों, ऋषभ पंत को सिर पीठ समेत कई जगह गंभीर चोट आई है, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है। कुछ चोटें आई हैं जिनका इलाज जारी है। दोस्तों, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा इनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, पंत के लिए भगवान से हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।